हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त और होस्ट ऑलराउंडर गेमिंग। तो आज का पहला न्यूज है जोंटी गेमिंग के बारे में। तो आपको पता होगा कि जोंटी गेमिंग की टीम भी FFIC में खेल रहे हैं, पर अब इसके बाद वाले मैचों में जोंटी गेमिंग अपनी टीम के साथ नहीं खेलेंगे, वो बस अपनी टीम को गाइड करेंगे। तो इसके बारे में जानकारी देते हुए पहाड़ी गेमिंग ने क्या कहा, देख लीजिए। मैच जैसे जो भी हम खेलते हैं, आज के मैच में कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी है और इस मैच में क्या यूज करना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, वो सब वो मैनेज करेंगे। बाकी हम लोग जो है गेम पे फोकस करेंगे। अपना आइकॉनिक लीड कर रहा है, जॉन्टी भाई भी लीड करेंगे हमें, मतलब लीड नहीं करेंगे वो समझाएंगे हमें कि ऐसा करो ऐसा मत करो। तो यस, तो ये चीज हमारे लिए काफी ओपी है। हमारा अगला न्यूज है AS गेमिंग के बारे में। तो एक बच्चे ने AS गेमिंग के मोबाइल नंबर लीक कर दिया, और इसी बच्चे ने पहले AS गेमिंग के मोबाइल नंबर लीक करने का धमकी भी दिया था, और इसका रिकॉर्डिंग AS गेमिंग ने अपने स्ट्रीम पे सुनाया। और इसी के साथ ही AS गेमिंग ने यह कहा कि बॉस शायद इसके ऊपर पुलिस थाने में रिपोर्ट करेंगे। तो इसके ऊपर AS गेमिंग ने क्या कहा था, देख लीजिए। भाई मेरा नंबर कसम से ना बांट दिया भाई बहुत ज्यादा, और यही के बंदों को बांटा है, मेरे एरिया के लोकल बंदों को। नंबर चेंज कर लो ना। अरे किस निब्बे ने किया है मेरे को अच्छे से पता है, वॉइस मैसेज भी है मेरे पास। जिस दिन दिमाग खराब हुआ ना, देख बेटा मैं क्या करता हूं। रात लाइव के बाद बात करते हैं, तेरे पास भी तो उसका नंबर है। हाँ हाँ, थाने में जाके रिपोर्ट कराऊंगा सीधा। भाई बंदा मेरे को पता है क्या वॉइस मैसेज भेज रहा है, एक मिनट रुको। ओए मेरे को फोन कर लो, नहीं तो मैं मेरे को आप आलोक तो देने, जो आप कुछ नहीं करोगे ना मैं आपका नंबर सबको दे दूंगा। देखो भाई AS गेमिंग का नंबर है, AS गेमिंग का नंबर, और नंबर लीक कर दूंगा आपका। ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं, अभी क्या बोलूं इसको, नंबर लीक कर दूंगा आपका। उसके बाद इसको ब्लॉक कर दिया, तो इसने लगता ना यहाँ पे बांट दिया नंबर, और इसको ये पता नहीं अगर मैं एक बार थाने में चला गया और इसने मेरे दिखा दिया तो फिर क्या होगा इसके साथ। अगला न्यूज है टोटल गेमिंग के बारे में। तो कल उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा, आज फेस रिवील कर दे क्या। तो इस ट्वीट को देख के काफी लोगों को ये लगा कि बॉस शायद फेस रिवील करेंगे, और इसी के साथ ही उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए लिखा, कल उनके ट्विटर अकाउंट पे 11:15 से पहले अगर 200 के फॉलोअर्स कम्प्लीट होते तो वो अपना फेस रिवील करते। और ये सब ट्वीट जब उन्होंने किया था तब वो यूट्यूब में लाइव स्ट्रीम भी कर रहे थे। तो ये सब पहले उन्होंने अपने स्ट्रीम पे कहा, फिर उन्होंने ट्वीट किया। तो आप लोग सुन लीजिए कि स्ट्रीम पे उन्होंने क्या कहा था। 11:15 तक गाइज, अगर आप लोगों ने ट्विटर पे 200 के फॉलोवर करवा दिए, 11:15 और अभी 15 मिनट और एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, 2,00,000 फॉलोवर करवाने आपको 11:15 तक ट्विटर के ऊपर, एंड उसके बाद मैं फेस रिवील कर सकता हूँ। यू नेवर नो गाइज, फेस रिवील हो भी सकता है। तो कल वो शायद बस अपने फेस्टिवल को लेके फोन कर रहे थे, और उनका फेस्टिवल करने का कोई भी इरादा नहीं था, और ना ही कल उनके ट्विटर पे 200 के फॉलोअर्स कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं देसी गेमर्स के बारे में। तो काफी लोग जो उनके नाम से फेक बंदों को मार के वीडियो डालते हैं, तो इसके ऊपर देसी गेमर्स ने ये कहा कि लोग अगर ऐसे फेक वीडियो बनाते हैं तो उनको बुरा लगता है, और सही में अगर कोई उनको गेम में मार के वीडियो बनाते हैं तब उनको बुरा नहीं लगता। तो इसी के ऊपर बात करते हुए देसी गेमर्स ने क्या कहा, देख लीजिए। अरे मेरे को ना अगर कोई बंदा मार के भी डालता है मेरे को बुरा नहीं लगता, सच में सच बोल रहा हूं। बट जब फेक डालता है ना, लाइक पूरा फेक अमित भाई होते हैं, वो गलत। अब मेरे को ना मतलब, अब मान लो किसी हर्ष वाले पीएन हर्ष वाले को मैंने मार दिया, है ही नहीं वो बंदा हर्ष। टोंडे ने डाला था वो मेरे साथ ही था, मेरे को पता था, मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है सही है। एक बार टोंडे ने डाला था, वो भी रैंडम खेला था, मैं भी रैंडम खेला था, भाई क्या किस्मत मेरा। तो वो सब ठीक लगता है, लेकिन फिर भी आप जितने भी क्या कर लो, बट अब मत करो यार ये सब, अच्छा नहीं लगता। और कल फेम क्लेशर ने अपने इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर किया जिसमें बस लिखा था फुएगो। तो फुएगो नाम सुन के ऐसा लगता है कि बॉस शायद ताहिर फुएगो के बारे में बात कर रहे थे, और इसमें फेम क्लेशर ने फुएगो के अलावा और कुछ नहीं लिखा। तो आपको क्या लगता है इसका मतलब क्या हो सकता है, या फिर वो क्या कर सकते है, कॉमेंट करके बताइए। अगला न्यूज है फॉर अननोन टीम के बारे में। तो कल हमने आपको ये बताया था कि उनके टीम को FFIC से डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया, और ऐसा करने का रीजन फीफा की तरफ से ये कहा गया कि उन्होंने प्रैक्टिस मैच ना खेल के रूल ब्रेक किया, और इसी के वजह से उनके टीम को FFIC से
डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। तो इसी के ऊपर फोर अननोन ने एक वीडियो अपलोड करते हुए ये कहा कि उनके साथ अनफेयर हुआ है और ये सब जो भी हुआ FFIC के मैनेजमेंट टीम के वजह से हुआ, क्योंकि जिस दिन मैच था उसी दिन ग्रुप बनाया गया और उसी दिन उनका फोटो शूट किया गया, जिसके लिए उनको 60 किलोमीटर दूर जाना पड़ा और इन सब के वजह से उनको खेलने का टाइम नहीं मिला और उसके साथ ही उनका नेट इश्यू भी चल रहा था। और जब वो इसके वजह से रिक्वेस्ट किया तब भी उनकी टीम को डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। और इसके ऊपर पहाड़ी गेमिंग ने भी रिएक्ट किया और इसके ऊपर पहाड़ी गेमिंग ने ये कहा कि उनकी टीम को एक चांस मिलना चाहिए। तो आप लोग खुद सुन लीजिए कि पहाड़ी गेमिंग ने क्या कहा था। जस्टिस फॉर फोर अननोन गाइस, जस्टिस यार, देखो जाके वीडियो एंड चेक आउट करो यार, इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूं। उन्होंने वीडियो डाली है बिकॉज वीडियो जो उन्होंने डाली है उस बेसिस पे मेरे को तो नहीं लगता यार उनका जो है बिल्कुल भी गलती था। अब आगे का मेरे को पता नहीं यार क्या सीन होता है, बट यार डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए। मैं अगर अपनी तरफ से बोलूं तो यार डिस्क्वालीफाई जो है ना नहीं करना चाहिए था, एक चांस देना चाहिए था, वार्निंग देके छोड़ देना चाहिए था, या कल के मैच में नहीं खिलाना चाहिए था लेकिन आगे के मैचेस में एटलीस्ट खिलाना चाहिए था। ये जो है गलत चीज हुई है, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, क्या उनके टीम को एक चांस मिलना चाहिए? कमेंट करके बताइए। और आपको अगर फॉर अननोन का ये वीडियो देखना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और कल FFIC लीग स्टेज के डे 3 में ग्रुप ए और सी का मैच हुआ था, तो अभी आप लोग इन तीनों टीमों के पॉइंट टेबल देख सकते हो। और गाइस हमने हमारे सेकंड चैनल RG ब्लॉग में एक वीडियो अपलोड किया है, तो आप लोगों ने अगर इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो जाके जरूर देखना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कुछ अचीवमेंट के बारे में। तो द CM ने कंप्लीट कर लिया है 300 के सब्सक्राइबर, इनोसाइड गेमिंग ने कंप्लीट कर लिया है 600 के सब्सक्राइबर और स्टारबोर्न गेमिंग ने कंप्लीट कर लिया है 800 के सब्सक्राइबर। सो कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। और गाइस अभी तक आप लोगों ने अगर हमें इंस्टा और ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो तब तक के लिए बाय।